नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 4 पर चुनाव और 1 पर उपचुनाव। सीधा मुकाबला महागठबंधन और बीजेपी के बीच है, महागठबंधन और एनडीए के बीच नहीं, महागठबंधन और बीजेपी के बीच, क्योंकि महागठबंधन की ओर से इन 5 सीटों पर महागठबंधन के 2-3 दल मिलकर लड़ रहे हैं, आरजेडी, जेडीयू और सीपीआई। लेकिन बीजेपी ने सहयोगी को कोई सीट नहीं दी है, आरएलजेपी को कोई सीट नहीं दी है, बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि चर्चा थी कि आरएलजेपी को यह सीट मिलेगी, लेकिन फिर बाद में आखिरी वक्त में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार गया स्नातक सीट से उतार दिया। तो खैर, चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है 5 सीटों के लिए, विधान परिषद की 5 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। और इसको लेकर जो जानकारी है, निर्वाचन आयोग ने 36 बूथों की स्थापना की है, जहां 2,75,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिन निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कराया जाना है उनमें गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। विधान परिषद के इस चुनाव में 48 प्रत्याशी मैदान में हैं और 48 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो आज उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। हालांकि आज वोटिंग है, परिणाम आगे आएंगे तो बैलेट बॉक्स में उनकी किस्मत बंद हो जाएगी। 48 प्रत्याशियों में गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 8, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 12, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 12, कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 7, सारण स्नातक क्षेत्र से 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। और वोटिंग के लिए सभी जिलों के प्रखंड मुख्यालय में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग अलग मतदान केंद्र हैं, ताकि स्थानीय वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। आप जानते हैं महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है, महागठबंधन ने जिनको उम्मीदवार बनाया उसकी लिस्ट भी हम आपको बता देते हैं। जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे को भी टिकट दिया है महागठबंधन ने। सुधाकर सिंह पहले से आरजेडी के विधायक हैं, अब उनके बेटे पुनीत कुमार को एमएलसी का टिकट मिला है। और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे के अलावा, जगदानंद सिंह के बेटे गया स्नातक क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के संजीव श्याम सिंह, कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के संजीव कुमार सिंह, सारण स्नातक से जेडीयू के वीरेंद्र नारायण सिंह, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से स्वर्गीय केदारनाथ पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर सीपीआई के उम्मीदवार हैं। जबकि बीजेपी ने विधान परिषद की 5 सीटों पर जो उम्मीदवार बनाया है, गया स्नातक सीट से जीवन कुमार, सारण स्नातक क्षेत्र से महाचंद्र प्रसाद सिंह, गया स्नातक क्षेत्र से अवधेश नारायण सिंह और कोसी शिक्षक क्षेत्र से रंजन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये वो पूरा गणित है। और आज वोटिंग भी चल रही है विधान परिषद चुनाव के लिए, तो कौन किस पर भारी पड़ता है, जब चुनाव नतीजे आएंगे तो ये देखना होगा। बहुत